उदाहरण 5 सरल कीजिए। बड़े कोष्टक में सर्पाकार कोष्टक में 1/3 की घात -3 ऋण 1/2 की घात -3 सर्पाकार कोष्टक बंद भागित 1/5 की घात -2 बड़ा कोष्टक बंद। एक बटा तीन का घात -3 ऋण 1/2 का घात -3 सर्पाकार कोष्टक बंद भागित 1/5 का घात -2 बड़ा कोष्टक बंद को सरल करना है। बराबर बड़ा कोष्टक, हम यहाँ पे -3 को अंश और हर में सबसे पहले बांटेंगे, तो ये बनेगा 1/3 -3 ऋण 1/3 -2 कोष्टक बंद भागित। फिर से पुनः हम घात को अंश और हर में बांटेंगे, तो ये होगा 1/2 -5/2। यहाँ पे हमने घातांक में का नियम लगाया है, क्योंकि हम भाग का नियम जानते हैं, a/b/m बराबर a/m/b/m होता है। बराबर यहाँ पे हम 3/3 को अंश में ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 3/3 1/3 को अंश से हर में ले जाने पर यह बनेगा 1/3। इसे हम कोष्टक में लिखते हैं और यहाँ पे हम बड़ा कोष्टक लगाएंगे ऋण। उसी प्रकार से 2/3 को अंश में ले जाने पर ये बदल के हो जाएगा 2/3 1/3 को हम हर में ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1/3 छोटा कोष्टक बंद करने के बाद भागित। पुनः हमने हम 5/2 को हर से अंश पर ले जाने पर ये 5/2 बनेगा 1/2 को अंश से हर में ले जाने पर ये बनेगा 1/2। यहाँ पे हमने घातांक का नियम लगाया है, 1/m बराबर 1/1m और 1/1m बराबर 1/m बराबर 3/3 3×3×3 बराबर 3×3=9, 9×3=27। तो हम लिखेंगे कोष्टक में 27/1/3 को हम 1×1×1=1 होता है ऋण 2/3 को हम 2×2×2=2×4, 4×8 तो यहाँ हम 8 लिखेंगे 1/3=1 होगा छोटा कोष्टक बंद भागित। 5/2=5×5=25 1/2=1×1=1
बराबर 27, कोष्टक में 27 बटा 1 बराबर 27 ऋण 8 बटा 1 बराबर 8, कोष्टक बंद, भागित 25 बटा 1 बराबर 25 बराबर 27 ऋण 8 बराबर 19 भागित 25 बराबर 19 बटा 25। यह उदाहरण का हल होगा।